और चंद्रशेखर पीछे के गेट से निकले, यानी कहीं मीडिया देख ना ले कि इन लोगों के बीच मुलाकात हुई है। इसलिए ओवैसी और चंद्रशेखर ये दोनों नेता पीछे के गेट से निकले हैं। शिवपाल यादव के घर से ओवैसी और चंद्रशेखर पीछे के गेट से निकले हैं, यानी चुपके से, आप कह सकते हैं कि चुपके से निकले हैं। ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और ये चंद्रशेखर, तीन नेता हैं। शिवपाल यादव के घर पे तो चूंकि मीटिंग हो ही रही थी तो वो आपको तस्वीरों में नहीं दिखेंगे, लेकिन तीन नेता आपको साफ तौर पे दिख रहे हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, MIM के चीफ है। ओम प्रकाश राजभर विधायक है, ये अपनी सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, ये आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है। यानी तीन नेता अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष मिलने पहुंचे थे शिवपाल यादव से। इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उनसे ये लोग मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे। तो आखिरकार हो क्या रहा? इसके पहले संयुक्त भागीदारी मोर्चा बना हुआ था, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर चले गए चाय पीने स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ, तो वो भागीदारी संकल्प मोर्चा टूट सा गया था। लेकिन लग रहा है कि एक बार फिर ये सभी मिल रहे हैं। रासपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के आवास पर आज असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर और राजभर पहुंचे थे। लगभग डेढ़ घंटा इनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई। आने वाले 2022 चुनाव को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने गठबंधन का ऐलान भी किया था। तो अब तीनों नेता आज लगभग डेढ़ घंटा शिवपाल सिंह के आवास पर बैठे थे। ये शिवपाल सिंह का आवास है जहाँ पर ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर ये तीनों नेता बैठकर 2022 चुनाव की रणनीति बना रहे थे। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरह से सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार। कफीलुर रहमान फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, इन चारों नेताओं के बीच कितने घंटे बातचीत हुई है और कब निकले हैं? राहुल, लगभग डेढ़ घंटा ये बैठक चली थी। इस दौरान चंद्रशेखर ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर शिवपाल से मुलाकात कर रहे थे। लंबी बैठक चली है। कहीं ना कहीं 2022 चुनाव में ये तमाम जो बड़े नेता हैं मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर काफी देर तक इन लोगों में चर्चा भी चली, क्योंकि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने भी ऐलान किया था कि वो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अब इन लोगों का पहुंचना कहीं ना कहीं ये एक जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर ये बड़ी सुगबुगाहट है। अब देखना ये होगा ये तमाम पार्टियां मिलकर कौन सी पार्टी का गणित बिगाड़ती हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी भी कह रही है कि वो 2022 चुनाव में जीतेगी। इसके अलावा तमाम पार्टियां हैं जो लगातार दावे कर रही हैं। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। अब इस तरह से ओवैसी हो गए या चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर, ये सब मिलकर अगर इनके साथ चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो 2022 चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। तो यानी इन चार नेताओं की मुलाकात हुई है, बैठक खत्म हुई है। कफीलुर रहमान बता रहे हैं कि तकरीबन डेढ़ घंटे बातचीत हुई है, डेढ़ घंटे शिवपाल सिंह यादव के आवास पर इन लोगों से बातचीत हुई है। यानी असदुद्दीन ओवैसी, MIM के चीफ, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के चीफ और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों नेताओं की अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी पकड़ है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चार विधायक भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी अपनी पैठ जमाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की धरती पर भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और पूरी तैयारियों के साथ वो यहां पर हैं। आजाद समाज पार्टी भी, ये चार राजनीतिक दल और साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ये लोग, यानी इन एक गठबंधन बनाने का इनका मंशा है। हो सकता है कि कोई गठबंधन बनाए, फिलहाल पहले ये बनाए थे संयुक्त भागीदारी मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर थे और इसमें असदुद्दीन ओवैसी थे, लेकिन बाद में ये मुलाकात
टूट सी गई, चूंकि ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ चाय पीने चले गए थे, कैमरे में रिकॉर्ड हो गए थे, वो तस्वीरें वायरल हो गई थी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस संयुक्त भागीदारी मोर्चे से खुद को अलग कर लिया था। क्या मुलाकात रही सर जी? भैया तो शिवपाल के आवास पर बैठक जो चल रही थी वो फिलहाल अभी खत्म हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अपनी मजबूत स्थिति के लिए लगातार कोशिश की जा रही। तो यहाँ पर आज एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर चार पार्टियों के चीफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एकजुट नजर आए हैं। अब आगे की इनकी क्या रणनीति होती है, क्या फैसला लेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इन नेताओं के बीच आज बात हुई, तकरीबन 1.5 घंटे इनकी बातचीत हुई है, पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत हुई है, 2022 के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है इन चारों ही नेताओं के बीच। यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अब दिलचस्प होने वाला है पंजाब की तरह, यहाँ भी मामला एक तरफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद इन चार पार्टियों का एकजुट, इन चार पार्टियों का एकजुटता देखने को मिली है। आज शिवपाल सिंह यादव के आवास पर उनके घर पर मीटिंग हुई है, ये मीटिंग 1.5 घंटे चली है। फिलहाल आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत मीडिया फ्रेंडली है और ओम प्रकाश राजभर भी बहुत ही मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन देखिए कितने गुपचुप तरीके से ये लोग गए। जरा देखिए इनकी गाड़ी का शीशा उतरा नहीं, लोग पूछ रहे हैं, मुलाकात हुई, पत्रकार पूछ रहे हैं, बाद में पत्रकारों की जरूरत पड़ेगी, अभी थोड़ा सा बात को घुमाना फिराना है, इसीलिए अपने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया और सीधे चल